इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरी। तो इलेक्ट्रिक सेल्स बेसिकली क्या है, जो हमारे पावर सोर्स है, जैसे कि हमारा मोबाइल की बैटरी है, हमारे लैपटॉप की बैटरी है, तो ये सब, और हमारे इन्वर्टर की बैटरी है, तो ये सब मिलके बनी होती हैं सेल से। ठीक है, तो सेल अलग अलग तरह के हो सकते हैं और अलग अलग जो वोल्टेज, जो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उनके अक्रॉस जो वो जनरेट करते हैं, वो अलग अलग वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो जो बैटरी है, बैटरी बेसिकली क्या है, उन सभी इलेक्ट्रिक सेल्स को, है ना, अगर किसी तरह से हम अरेंज करते हैं सीरीज कनेक्शन से या पैरेलल कनेक्शन से, या दोनों सीरीज और पैरेलल कनेक्शन मिक्स करके यूज़ करते हैं, तो वो बैटरी फॉर्म में आता है। तो इलेक्ट्रिक सेल्स बेसिकली क्या हैं, वो एक इंडिपेंडेंट वो की यूनिट है ना, जो इलेक्ट्रिक सेल है, और जो उसमें वो अपने आप ही एक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो जैसे कि यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक सेल्स आर बेसिकली बेसिकली ए यूनिट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स। तो इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है कोई, या पावर सोर्स है सिंपली, जैसे हमारा पावर बैंक है, मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ करते हैं पावर बैंक हम यूज़ करते हैं, वो भी बैटरी है। ठीक है, तो उसका जो यूनिट एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रिक सेल है। और इलेक्ट्रिक सेल काम कैसे करता है, सेल यूज़ केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो अब सिंपल सा है, अब हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, पूरा हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल पे ही काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी जो है केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, एक तरह से अगर जीव जानवर भी देखे जाएँ तो इस तरह के हैं जो मतलब 600 वोल्ट तक भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो सब जो है वो केमिकल रिएक्शन से ही करते हैं। सही है, बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। तो ए बैटरी कंसिस्ट टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। तो बैटरी दो या दो से ज़्यादा सेल को अगर किसी तरह से हम जोड़ते हैं, चाहे उसको सीरीज में चाहे उसको पैरेलल में, तो वो बैटरी फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर एक सेल है, ये है लिथियम सेल। ये सेल यूज़ होता है जनरली घड़ियों में यूज़ करते हैं, जो हमारे घड़ी के सेल हैं, है ना, रिस्ट वॉच वगैरह इस तरह के, और जो हमारा और बड़ा उसमें है, तो उसको यूज़ करते हैं लैपटॉप पे या डेस्कटॉप में, तो वो रियल टाइम क्लॉक के लिए यूज़ होता है। आप पावर सप्लाई हटा भी देते हैं तब भी वो टाइम जो है, जब भी आप उसको ऑन करोगे तो सही टाइम बताएगा, तो वो ये लिथियम सेल बैटरी है। ठीक, उसके बाद ये जो है हमारी, ये एल्कलाइन बैटरी है। एल्कलाइन बैटरी में क्या है, यहाँ पर एक जो इसका जो एक तरह से जो केमिकल रिएक्शन है वो अलग तरह की है, इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो अलग तरह की है। तो एल्कलाइन बैटरी है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है A4 साइज़ है, ये उसका साइज़ है, ये A3 साइज़ है, ये A2 साइज़ है, ये A साइज़ है, ये C साइज़, ये D साइज़। तो अब PP3 को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी हैं, ये सिर्फ एक सेल है, ये बेसिकली PP3 बैटरी है ना। तो ये सब जनरेट करती हैं 1.5 वोल्ट। ओके, पर जो इनका साइज है उससे ये जो इनकी करंट रेटिंग है वो अलग डिफर करती है। जैसे कि A4 वाला जो है, ये जो सेल है, ये एक लोड पे अगर एक दिन चल सकता है, मतलब 24 आवर ये एक लोड पे उसको पावर सप्लाई दे सकता है, किसी लोड पे लगाया हुआ। ठीक है, तो सपोज़ करो हमने कोई रेडियो चलाई हुई है, ठीक है, तो रेडियो में एक सेल लगाया हुआ है और वो 24 आवर तक उस रेडियो को चला सकता है, और उसके बाद ये फिर क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज कंप्लीटली। तो अब इससे अगर दूसरा बड़ा सेल लेते हो, इसे डबल साइज़ का, मान लो आप A ले रहे हो, तो हो सकता है कि ये मतलब उससे ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पर जैसे ये 24 घंटे तक चलिए चलाई इसने रेडियो, ये 48 आवर तक रेडियो चला सकता है, यानी 2 दिन रेडियो चला सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज सेम है पर करंट की रेटिंग अलग अलग है। ठीक है, तो करंट की रेटिंग या उसका स्टडी टाइम, ठीक है ना, या जितना एक तरह से उसको बोल सकते हो ऑन लोड टाइम, तो वो उनका वेरी करता है उसके साइज़ के हिसाब से। अब एक ये बैटरी है, तो ये बैटरी है बेसिकली, तो इसमें बहुत सारे सेल हैं, मतलब अगर ये 9 वोल्ट की है तो इसमें 6 सेल कनेक्ट हैं सीरीज में। ठीक है, तो इससे भी छोटा सेल बनाया हुआ है, ठीक है, और उसको वो सीरीज में कनेक्ट करके इस बैटरी फॉर्म में दिया हुआ है। सही है, तो मेटल कैन में आता है, ये मेटल जैकेट है इसके ऊपर लगी हुई, तो इसके अंदर सब बाकी के 6 सेल हैं और वो सब सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, और यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल पर 9 वोल्ट आते हैं। तो हर एक बैटरी में सिर्फ 2 ही टर्मिनल होते हैं। सही है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव मार्क किया हुआ है, ऐसे ही इस पर पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो एक इधर पॉजिटिव है और एक इधर नेगेटिव है। सही है, 2 ही टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो ये बैटरी है, बाकी हमारे पास सेल, ऐसे ही ये सेल, इनसे मिला के हम बनाते हैं। जैसे कि अब ये है, ये लेड एसिड बैटरी है जो हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर के लिए घरों में। तो यहाँ पर 6 सेल है, तो यहाँ पर जो लेड एसिड जो सेल है, लेड एसिड बैटरी के में जो सेल लगे हुए हैं, ये 2 वोल्ट जनरेट करते हैं। जो एल्केलाइन बैटरी है वो 1.5 वोल्ट यूज़ कर प्रोड्यूस करती है, जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लिथियम सेल 3 वोल्ट देता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर 2 वोल्ट जनरेट करता है एक सेल, और यहाँ पर 6 सेल लगाए हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 सेल लगाए हुए हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 12 वोल्ट, तो टर्मिनल पे 12 वोल्ट आएगी। यहाँ पर आउटर इस पे जो इसकी रेटिंग देखोगे, यहाँ पर दिया हुआ है 200 Ah, तो 200 Ah का मतलब है 200 एम्पियर आवर। तो 1 आवर में आप उससे मैक्सिमम जो इसकी जो कैपेसिटी है ना करंट की, तो आउटपुट तो 12 वोल्ट ही आएगा, पर आप उसको अगर उससे आप करंट ड्रा करते हो, बेसिकली लोड क्या है ना, हम उससे बेसिकली करंट ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं ना बैटरी से। तो जो वो जो चार्ज है या करंट है, वो 200 एम्पियर आप 1 घंटे में उससे ले सकते हो, ठीक है। तो 1 घंटे की रेटिंग दी हुई है, तो इसकी कैपेसिटी है ये। तो अगर आप 200 एम्पियर का इस पर लोड लगा रहे हो, तो ये 1 घंटे ही बैटरी चलेगी। अगर आप 100 एम्पियर का लोड लगा रहे हो, तो ये 2 घंटे चलेगी, 2 आवर का इसका टाइम हो जाएगा। अगर आप 50 एम्पियर इससे करंट ड्रा कर रहे हो, तो ये 4 आवर चलेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से जैसे कि इसकी, तो यहाँ कैपेसिटी इसने दी हुई है, ऐसे ही एक छोटी सी बैटरी है यहाँ पर, तो ये भी लेड एसिड बैटरी है, इसमें सिर्फ 2 सेल हैं, तो 2 सेल हैं तो 4 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं। अगर आप इसको देखोगे, RB410E 4 वोल्ट 1.0 Ah, तो यहाँ पर इसकी रेटिंग दी हुई है, तो 4 वोल्ट, तो 2 सेल लगाए हुए हैं। अगर आप इस कैन को अब इसको हटाओगे, तो इसमें दो, जैसे यहाँ पर है ना ये इंडिकेटर है ना, और इसको खोल के आप इसमें क्या करते हो, वाटर इसमें डाल सकते हो, तो डिस्टिल वाटर डालते हैं बैटरी में, ऐसे ही इसमें भी है। इसको अगर आप कैन को ओपन करोगे, तो इसमें दो वो आएंगे, तो इसमें आप इसमें वाटर डाल सकते हो। तो ये जो छोटी सी बैटरी है, ये जनरली मस्कीटो का जो नेट है उसके लिए यूज़ करते हैं, या कोई प्रोजेक्ट वगैरह में इनमें यूज़ करते हैं। तो रिचार्जेबल बैटरी है दोनों, तो लेड एसिड बैटरी क्या है, रिचार्जेबल बैटरी है, ठीक। तो 4 वोल्ट 1.0 Ah, सही है। तो 1 घंटे तक 1 एम्पियर का लोड दे सकती है एक बार चार्ज होने के बाद, तो ये इसकी कैपेसिटी है। अब आते हैं बैटरी इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्ट करके क्या बेनिफिट मिलता है, सही है। तो सीरीज में अगर हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं, सही है, तो सीरीज में अगर हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं, तो हमें जो वोल्टेज है वो बढ़ के मिलती है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर दो मैंने यहाँ पर ये पिक्चर ली हुई है, तो एक पिक्चर है जिसमें 6 वोल्ट और 6 वोल्ट है ना, ये दोनों बैटरी कनेक्ट की हुई है। तो कैसे कनेक्ट करनी है, तो पहली बैटरी है, सही है, तो पहली बैटरी का जो नेगेटिव है, वो दूसरी बैटरी, सॉरी, जो पहला सेल है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, वो जो दूसरा सेल उसके साथ आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, उसका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करोगे। तो ये अगर सपोज करो पहली बैटरी है, तो इसका नेगेटिव, तो दूसरी का जो पॉजिटिव है उसके साथ कनेक्ट करना है। फिर तीसरी जो आएगी, उसका पॉजिटिव दूसरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो बाकी जो लास्ट में टर्मिनल बचेगा, इस तरह करते हुए आप कितनी बैटरी लगा सकते हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो बाद में टर्मिनल बचेगा नेगेटिव है, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव है, तो इन दोनों से हमारा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर ये और ये टर्मिनल दोनों से आउटपुट आ रहा है, तो ऊपर वाला जो है यहाँ पर, ये वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। तो ये 12 वोल्ट जनरेट कर रहा है, पर जो करंट रेटिंग रहेगी वो वही रहेगी जो सेल की है, ठीक है। तो 150 एम्पियर आवर का जो कैपेसिटी है, वो इस बैंक की कैपेसिटी रहेगी। पावर बैंक भी बोलते हैं बैटरी को, पावर बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो नया टर्म आया है पावर बैंक, तो 150 ये इसकी जो है बेसिकली कैपेसिटी है। 12 वोल्ट ये वोल्टेज देगा, जो पोटेंशियल देगा, और जो करंट की रेटिंग है 150 एम्पियर आवर। अगर आप 150 एम्पियर का लोड लगाओगे, तो 1 घंटे में दोनों बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 50 एम्पियर का लोड लगाओगे, तो 3 घंटे दोनों बैटरी 3 घंटे ये दोनों चलेंगी, 3 घंटे के बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं, अच्छा, एक यहाँ पर ये एल्केलाइन बैटरी का कनेक्ट किया है, ये टॉर्च में है। जैसे टॉर्च जो आप यूज़ करते हैं घरों में, होगी ज़रूर टॉर्च वगैरह, तो टॉर्च को कैसे कनेक्ट करते हैं, वो भी यही है। तो जो सेल है, ऊपर वाला पार्ट प्लस, नीचे वाला पार्ट जो है उसका माइनस, तो माइनस से दूसरा जो सेल है उसका प्लस कनेक्ट करेंगे, और उसका माइनस कनेक्ट है इसके साथ। फिर ये जो स्प्रिंग के थ्रू क्या है, इसको प्रेशर करने के लिए है ना, स्प्रिंग यूज़ करते हैं एक बैटरी में, उसको प्रेशर बनाने के लिए, जिससे कि जो कनेक्शन है वो लूज ना हो। तो
इस स्प्रिंग के थ्रू एक ये वायर है ना, और ये वायर कनेक्ट है इस पुश बटन के साथ, सही है। इसको पुश करते हैं, तो जब इसको पुश करेंगे तो ये कनेक्ट होता है। यहाँ पर बल्ब है, बल्ब के दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव से ऑलवेज कनेक्ट रहता है और दूसरा जो टर्मिनल है वो पुश बटन के साथ होता है। जब भी आप इसको पुश करोगे तो दूसरा वाला जो है वो दूसरे वाले कॉन्टैक्ट के साथ टच में आएगा, और टच में आएगा तो बल्ब आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह चलता रहेगा। तो ये जो है ये भी सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, इससे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। तो अब इनको अगर मैं सिंबल दूँ तो बैटरी का जो सिंबल है, सेल का जो सिंबल है वो है ये, ठीक है, एक सेल का सिंबल ये है। तो इधर वाली जो बड़ी प्लेट है वो बता रही है प्लस, और छोटी वाली प्लेट बता रही है ये है नेगेटिव, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ सीरीज में तो मुझे क्या करना है, इसका नेगेटिव अब जो नेक्स्ट सेल है उसके पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो इसका पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो बैटरी का ये अब जो अगर इसको आउटपुट लोगे ऐसे तो ये वाला टर्मिनल माइनस रहेगा, ये टर्मिनल प्लस रहेगा। तो वोल्टेज कितनी, अगर ये 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है, तो आउटर पर जो वोल्टेज आएगी, जो आउटपुट वोल्टेज है वो 6 वोल्ट आएगी, ठीक है। इनकी जो करंट रेटिंग है, तो करंट रेटिंग कॉमन है। अगर सपोज यहाँ मैंने बैटरी ये भी 150 Ah की ली हुई है, और यहाँ पर भी 150 Ah की ली हुई है, सही है, ये 5 है, ओके। तो जो करंट रेटिंग है यहाँ इसकी भी 150 Ah ही रहेगी, ठीक है ना। ऐसे ही इसका है, यहाँ पर भी इस तरह कनेक्ट है, ये इधर वाला पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। और जो इनकी एल्कलाइन बैटरी है वो 1.5 वोल्ट जनरेट करती है एक सेल, तो दूसरा भी 1.5 वोल्ट। तो इस तरह दोनों को ऐड करोगे तो आउटपुट आएगा तुम्हारा 3 वोल्ट, ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव टर्मिनल, इधर वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसे ही बाकी और बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर उसे मैंने दो दो दिए हैं। अब सपोज करो ऐसे ही एल्कलाइन बैटरी, आप 4 बैटरी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने एक प्रैक्टिकल में उसमें अभी की थी, तो 4 बैटरी आप बैक टू बैक ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो यहाँ से वोल्टेज आएगी एल्कलाइन बैटरी, तो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पर आएगा 4, 5, 6 वोल्ट आउटपुट पर, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। तो सीरीज में जब उसको आप ऐड करते हो तो सीरीज में रिक्वायरमेंट, अगर बैटरी आप सेल को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो हायर वोल्टेज के लिए आप कनेक्ट कर रहे हो, करंट नहीं बढ़ती है, करंट उतनी रहती है जो सेल की है, सिर्फ वोल्टेज बढ़ती है, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करना है वो समझ गए होंगे। तो सीरीज में करने से वोल्टेज बढ़ती है, करंट कैपेसिटी नहीं बढ़ती है बैटरी की, वो वही रहती है जो इंडिविजुअल सेल की है। अब आते हैं बैटरी इन पैरेलल। अब पैरेलल में जो यहाँ पर जो हमारे सेल हैं उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं उनको एक साथ, सही है, पॉजिटिव टर्मिनल टुगेदर कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल उनके टुगेदर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वन ये जो सेल है 1.5 वोल्ट का है, सही है, जो वोल्टेज है, तो आउट पे भी जो इसका आउटपुट है उस पर भी 1.5 वोल्ट ही आएगी। तो यहाँ पर अगर सपोज करो ये सब 1.5 वोल्ट की है रेटिंग, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, तो आउटपुट पे भी 1.5 वोल्ट ही आएगी, क्लियर है, ठीक। बस बेनिफिट क्या है, अगर सपोज करो ये है 2 mA एक सेल की जो करंट रेटिंग है, ठीक है, मैं मिली में लेकर चल रहा हूँ, ऐसे ये भी 2 mA, 2 mA, और ये भी 2 mA। तो जो ये जो बैटरी बनेगी तो इसकी जो करंट रेटिंग आएगी वो इन सबको ऐड करके आएगी, तो यानी आएगी 8 mA। तो पैरेलल में जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है, बस करंट रेटिंग क्या है, जितने आप सेल कनेक्ट करोगे वो सब ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। तो जो करंट रेटिंग है 8 mA/h। अब सपोज करो 1.5 वोल्ट पे आपने एक बैटरी लगाई, सही है, और लोड ये ले रही है 2 mA का, तो कोई लोड है, सपोज करो रेडियो चला रहे हो, सपोज करो कोई छोटा सा मोटर फैन चला रहे हो, टॉय चला रहे हो भाई, है ना, कोई कार है, टॉय जो एक जो कुछ अपने लिया हुआ है कि टॉय कार है, और उस पर आपने बैटरी लगाई हुई है 1.5 वोल्ट की, ठीक है। तो 2 mA/h का ले रहा है, यानी 2 mA तक का वो लोड देगा एक आवर तक, अगर आप उसको 2 mA पर चलाओगे तो एक आवर तक ये बैटरी चलेगी, ठीक है।
ऐसे ही अगर आप पैरेलल में चार बैटरी कनेक्ट कर देते हो, तो वही बैटरी आप जो जब ये बैटरी बनेगी चार सेल लगा के, अब वो कितनी देर तक चलेगी, वो 4 घंटे तक चलेगी 2 मिली एम्पियर का लोड के साथ। अब ये पूरी की पूरी बैटरी 4 घंटे चलेगी, सही है। एक जो एक सेल था वो सिर्फ 1 घंटे चल रहा था, वो चारों कनेक्ट किया है अब वो, ठीक है। ऐसा उस केस में नहीं है, अगर आपको देखो यहाँ पर 1.5 ही उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, करंट बढ़ा दिए बस, तो करंट वो इतने टाइम तक चलेगी, ये बैटरी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहीं आपको वोल्टेज बढ़ानी पड़ती है तो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज नहीं बढ़ाना है, बस उसकी तुम्हें रेटिंग बढ़ानी है, सही है, इतने टाइम तक चले, तो उसके लिए आप उसको पैरेलल में लगाओ, तो 1.5 वोल्ट पे अगर वो आपका ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर ये बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, तो पॉजिटिव टर्मिनल सारे एक साथ, तो यहाँ पर जो ये दिखाया है एक तरह से ये शो किया है, ये जो हम इलेक्ट्रिकल में अगर पढ़ते हैं, इस लाइन इस तरह की जो लाइन होती है, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे से टच नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं विदाउट टच करें, ठीक है। तो ये लाइन है, तो सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिए, तो सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं, और सारे नेगेटिव जो टर्मिनल हैं बैटरी के उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये सारे नेगेटिव टर्मिनल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये भी 6 वोल्ट, और जो इनका है वो है, अब सपोज करो ये 50 एम्पियर आवर, ये 50 एम्पियर आवर जो इनकी करंट रेटिंग है हर एक की, और ये 50 एम्पियर आवर, ठीक है। तो आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगी वो 6 वोल्ट ही रहेगी, पर जो एम्पियर आवर जो इसका करंट रेटिंग है वो कितनी हो गई इस बैटरी की, 6 ये 5 5 5 5, ये 200 200 एम्पियर आवर हो गए, ठीक है। तो करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए तो ये क्या करता है, ये लाइफ बढ़ा देता है, सही है। तो जितने आप सेल कनेक्ट करोगे उतने टाइम उसका जो लोड है वो बियर करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उतने टाइम तक ये क्या करेगा, उसका जो एक तरह से लोड टाइम है ना, जो बैटरी का जो जो लोड टाइम है उतना टाइम वो बढ़ा देता है। तो जितनी बैटरी कनेक्ट करोगे उतने टाइम वो बढ़ती जाएगी। तो एक बैटरी से अगर कोई चीज़ 1 घंटे चल रही है, तो चार बैटरी अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, तो वो एक बैटरी से 1 घंटे चल रही है, तो चार बैटरी से 4 घंटे चलेगी, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसे केस आते हैं जिसमें आपको दोनों चीज़ चाहिए, सही, आपको करंट रेटिंग भी बढ़ानी है, टाइम भी ज़्यादा चले, और ठीक है, और वोल्टेज भी बढ़ानी है। तो जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर जो है हमारा, जो आपका अगर आपको बड़ा इन्वर्टर ले रहे हैं, तो वो करता है, जो छोटा वाला इन्वर्टर है 12 वोल्ट पे काम करता है, बड़ा वाला इन्वर्टर उसको 24 वोल्ट पे काम कराते हैं, ठीक है। तो बैटरी को आपको इसको इस तरह भी कनेक्ट किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर कुछ रेटिंग दे रहा हूँ, अब उन दोनों से आपको इसका आंसर देना है। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की, और सपोज करो जो इनकी करंट रेटिंग है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 50 एम्पियर आवर, ये 50 एम्पियर आवर, ये भी 50 एम्पियर आवर, और ये भी 50 एम्पियर आवर। तो दोनों से मिला के ये मुझे बताओ, तो एक तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा इन दोनों में, यहाँ पर देखो पॉजिटिव किधर कनेक्ट है, सही है। तो इसका पॉजिटिव, तो सब ये इस तरह का बन गया, तो यहाँ पर है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पर 12 वोल्ट जनरेट करेगा, क्योंकि सीरीज में 6 वोल्ट 6 वोल्ट, ऐसे ही यहाँ पर सीरीज में 6 वोल्ट 6 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, और 12 12 जो हैं वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो आउटपुट पे 12 वोल्ट ही आएगा। करंट रेटिंग कितनी आएगी, करंट रेटिंग आएगी इसकी, इसको आप सम करके देख सकते हैं, तो सीरीज में है तो सीरीज में तो करंट रेटिंग में कोई फर्क पड़ता नहीं, उतना ही रहता है, तो 50 एम्पियर आवर, पर जब पैरेलल में 50 और 50 एम्पियर आवर आएंगे तो कितना हो जाएगा, कोमा 100 एम्पियर आवर, ठीक है। तो इसकी वोल्टेज भी बढ़ा दी और इसकी करंट रेटिंग बढ़ा दी, तो कहने का मतलब है जो सीरीज में आप कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज बढ़ेगी सिर्फ, सही है, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो करंट रेटिंग बढ़ेगी इसकी, अगर आप इसको मिक्स सेल को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपको अगर वोल्टेज वोल्टेज भी बढ़ानी है और करंट रेटिंग बढ़ानी है, तो आप सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर किया हुआ है, ये ऊपर वाला पूरा जो है ये सब सीरीज में है, और फिर इसके साथ दूसरी लाइन पैरेलल में है और तीसरी लाइन भी पैरेलल में है, ठीक। तो सपोज करो अगर एक एन का एन इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इसको 4 ले लेता हूँ, इसके लिए इसका आपको आंसर देना है, एन इक्वल्स टू 4 है, और हर एक सेल की जो रेटिंग है 1 मिली एम्पियर की है, ठीक है, और जो वोल्ट है 1.5 वोल्ट है एक सेल का, तो इसका आउटपुट मुझे बताओ कितना आएगा। तो आउटपुट पे वोल्टेज कितनी होगी, है ना,
तो वोल्ट की रेटिंग और करंट की रेटिंग वो आपको मुझे देनी है, ठीक है। इससे आप निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। तो एन की वैल्यू है यहाँ पर 4, तो यानी चार बैटरी लगी हुई है, एक जो रो है उसमें सिर्फ चार सेल लगे हुए हैं, ठीक। अच्छा, अब इसको सिंबल अगर इसके बनाने लगे इस वाली बैटरी का, तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो प्लस माइनस, फिर इसका प्लस, इसका माइनस, और फिर एक दूसरी लाइन वाली बैटरी। तो ये वाली बैटरी हो गई, ये वाली बैटरी हो गई, अब नीचे वाली बैटरी बना रहे हैं। इसका प्लस माइनस, और फिर दूसरे सेल का प्लस और इसका माइनस, इन दोनों कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट ले रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। इसको कैसे ही बना लो, तो ये ऊपर वाला प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो इस तरह का बन गया। तो 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो बना 12 वोल्ट, ऐसे ही 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है। और रेटिंग 50, 50H, ये भी 50, तो सीरीज में 50 50 50 ही रहेगा ओवरऑल, ऐसे ही यहाँ पर 50 और ये भी 50, तो आउटपुट पर जो आएगा वो हमारा आएगा 100 एम्पियर आवर, ठीक। चलिए इसको मैं यहीं रोकता हूँ, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक, ना मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।